Parametric equations for the line of intersection of two planes. हमारे पास दो planes given है, हमने find करना है parametric equation for line, जो line की parametric equation हमने वो find करनी है, x और y और z जो भी है. दो हमारे पास given है planes, intersection of planes. इसमें से हम planes जो हमारे पास दो given है, इनके हम normal vectors निकाल लेते हैं. जो हमारे पास normal vector है plane 1 का वो है -2i प्लस 3j प्लस 7k, और नॉर्मल वेक्टर 2 जो होगा हमारे पास i प्लस 2j माइनस 3k. ये हमारे पास आ गए दो नॉर्मल वेक्टर्स. अब इन नॉर्मल वेक्टर्स को हम ले लेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट. v ले लेते हैं, v इज इक्वल टू n1 क्रॉस n2. I, J, K, minus 2, 3, 7, 1, 2, minus 3, 9, minus 23, I, negative, positive, plus, J, 4 माइनस माइनस 7 के. ये मेरे पास आ गए वेक्टर आ गए हमारे पास. अब हमारे पास पॉइंट्स कोई नहीं है, हमने फाइंड करना है पॉइंट. तो हम इसमें ऐसा करते हैं, z को 0 कर देते हैं, z को हम 0 कर देते हैं. इसमें फाइंड अ पॉइंट सो z इज इक्वल टू 0. इस z इज इक्वल टू 0 दोनों में कर देते हैं हम, ताकि हम x y की वैल्यू फाइंड कर सकें. अब कोई भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं हम, तो हम इसमें z इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. माइनस 2x प्लस 3y, जब z हमारे पास 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2. और जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन गिवन है सेकंड वाली, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करा देते हैं सब में. तो इसमें जब 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, जब भी वहाँ जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, और 5 2 का 10 माइनस 10. इसमें हमें मल्टीप्लाई 2 कराया हमने, अब हम दोनों का ले लेते हैं, इन दोनों का ऐड कर लेते हैं दोनों को. जब ऐड करेंगे तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2. ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 3 का 7 y इज इक्वल टू माइनस 12, y इज इक्वल टू माइनस 12 ओवर 7. ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई है. अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं. हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2x माइनस 2x प्लस 3 माइनस 12 ओवर 7 इज इक्वल टू माइनस 2. इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट की है. हम इसमें निकालेंगे एक्स की वैल्यू, माइनस 2x माइनस 36 ओवर 7 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 36 ओवर 7, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 36 ओवर 7, x इज इक्वल टू माइनस 11 ओवर 7. ये हमारे पास वैल्यूज आ गई x की और y की, और हमने लेट पुट किया था फाइंड अ पॉइंट सो y को हमने z को हमने 0 रखा था. तो जो हमारे पास पॉइंट आएगा इसमें माइनस 11 ओवर 7, माइनस 12 ओवर 7 और 0, ये तीन हमारे पास पॉइंट्स आ गए. हमने फाइंड करना है पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. दो प्लेन्स हमने जब निकाले तो हमने फाइंड करने पैरामेट्रिक इक्वेशन. अब हमारे पास जो आ गया है ये पॉइंट आ गया है, और हमारे पास ये वेक्टर आ गए. अब हमारे पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है हमारे पास, वो होती है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी
y is equal to y naught plus pt, z is equal to z naught plus ct. इसमें हमारे पास जो पॉइंट है वो है -11/7, ये हमारे पास है पॉइंट x naught, x is equal to -11/7 प्लस ए हमारे पास है वेक्टर, वो हमारे पास जब हमने क्रॉस यूज़ कर लिया क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें है -23 t y is equal to -12/7 प्लस 1 t z is equal to -7 हमारे पास है इसका, सॉरी पॉइंट हमारे जो हमारे पास है जीरो है इसमें, प्लस c हमारे पास -7 t है, x is equal to -11/7 -23 t, y is equal to -12/7 plus t, z is equal to -7 t. ये तीन हमारे पास आगे हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन टू प्लेन्स निकालना था, तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई.